बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का पांचवा अध्याय, औरतों ने बदली दुनिया। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं आपके पाठ के आंतरिक प्रश्न, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में प्रश्न पूछे होते हैं, सबसे पहले उनके उत्तर आइए जान लेते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्यपुस्तक के 55 नंबर पेज पर, यानी कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक के 55 नंबर पेज पर देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिख सकते हैं, पुलिस, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुयान के पायलट, व्यापार, किसान, वैज्ञानिक, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका, नर्स के काम में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों है। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्यपुस्तक के 55 नंबर पेज यानी 55 नंबर पेज पर। इसका उत्तर आप लिखेंगे, महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित हैं उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न, महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलनात्मक रूप से कम है, यदि है तो क्यों। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा आपकी पाठ्यपुस्तक के 55 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि। इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा नाजुक होता है, इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपना इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये तीसरा प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के लिखें, अच्छे से लिखें, उसे याद भी करें। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, पुस्तक के वाक्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर है आपके लिए पहला, कह यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 58 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक के 58 नंबर पेज पर। और दूसरा है यहाँ पर, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 58 नंबर पेज पर। उत्तर में आप लिख सकते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। सबसे पहले लिखेंगे आप कै प्रश्न का उत्तर, यदि हम जेवियर होते तो इतिहास विषय को ही चुनते क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता। अपनी किसी भी विषय के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। किसी भी विषय को दिलचस्पी से पढ़कर अव्वल नंबर लाया जा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। तो ये था आपका कै का उत्तर। अगला है आपका खै प्रश्न, जिसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। खै का लिखेंगे, लड़कों को निम्न दबावों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव। दूसरा लिखेंगे, कई बार लड़कों को अपनी इच्छा के विरुद्ध विषय का चुनाव करने का दबाव। और तीसरा लिखेंगे, लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है, इसमें कै और खै दो प्रश्न पूछे हुए हैं और दोनों के उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पहले कै का लिखेंगे, इसके बाद खै प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों पाँचवा प्रश्न आपके लिए, माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 62 नंबर पेज पर आपकी पाठ्यपुस्तक में। उत्तर में आप लिखेंगे, माध्यमिक स्तर पर लगभग 52 यानी कि 52% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें से 57 यानी 57% अनुसूचित जाति के लड़के, 69% अनुसूचित जनजाति के लड़के शामिल हैं और 62% अनुसूचित जाति की लड़कियाँ और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर कि माध्यमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।
उत्तर आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न है, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 62 नंबर पेज पर। और उत्तर में आप लिख सकते हैं, शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें से 71% अनुसूचित जाति के लड़के, 78% अनुसूचित जनजाति के लड़के, 76% अनुसूचित जाति की लड़कियां, 81% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों, सातवां यहाँ पर आपके लिए, आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 62 नंबर पेज पर। आप देख सकते हैं उत्तर में आप लिखेंगे, अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के कारण, और हेडिंग डाल दें यहाँ पर आप जो है हेडिंग डाल के नंबर वन लिखेंगे। पहला कारण क्या है, आदिवासी वाले क्षेत्रों जो कि मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए इन क्षेत्रों के आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण क्या होगा, लिखेंगे नंबर दो, आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते हैं। कुछ जनजातीय लोग पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें, मुफ्त स्कूल ड्रेस के लिए पैसे, मध्याह्न समय भोजन प्रबंध कर दिया है। इसके बावजूद पढ़ाई के छोटे मोटे खर्च भी आदिवासी लोग नहीं उठा पाते। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। यह आपका सातवां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला है आपका आठवां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों के आधार पर एक दंडारेख बनाएं। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 63 नंबर यानी 63 नंबर पेज पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, यहाँ पर लिखा है स्कूल का स्तर, सभी लड़के, अनुसूचित जाति के लड़के, अनुसूचित जनजाति के लड़के, सभी लड़कियाँ, अनुसूचित जाति की लड़कियाँ, अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ। और प्राथमिक कक्षाओं यहाँ पर लिखा है 34, 34, 37, 49, 29, 36 और 49। तो यहाँ पर आपने एक दंडारेख बनाना है, किस तरह से बनाएंगे आइए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लड़के और इस साइड में होंगी लड़कियाँ, और यहाँ पर आप जो है आंकड़ों पर दंडारेख इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सभी लड़के, अनुसूचित जाति के लड़के और अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के। और यहाँ पर आप डाल दें अपना पैरा, डाल देंगे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे आप दूसरी साइड में लड़कियों के बारे में, तो यहाँ पर जो है सभी लड़कियाँ, अनुसूचित जाति की लड़कियाँ, अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ। और इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार का आपको एक दंडारेख मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि आपने जब पूरा पाठ पढ़ लिया होगा उसके अंत में भी आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की, और यहाँ पर है पहला प्रश्न आपके लिए, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर एक, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है, उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गाँव अथवा शहर नहीं भेजा जाता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा, लड़कियों को कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर
यानी कि अच्छी की जाती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे पाककला, सिलाई बुनाई आदि की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर। ये आपका पहला प्रश्न पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों में से कि आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, इसका उत्तर आपने देखा भी। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ध्यानपूर्वक लिखें बच्चों और इन्हें अच्छे से याद भी करें। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर जो है उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक थी और ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न ही आपका और इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। प्रश्न सत्र पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। तो आप कहाँ पर देखेंगे इसे, आपको एक अनुच्छेद मिलेगा प्रश्न नंबर 17 पर। ठीक है, उसे देखकर आप बताएंगे कि यह कथन सही क्यों नहीं है। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि न होना नहीं है बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं। ठीक है, और क्या क्या कारण है, नंबर एक लिखेंगे आप, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं न शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास नहीं है और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। अगला कारण है बच्चों, तीसरा, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये तीन कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर, और चौथे प्रश्न में आपको पूछा है, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के दो तरीकों के बारे में बता सकते हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे, आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका, संघर्ष के दो प्रमुख तरीके और नंबर एक, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना, और नंबर दूसरा लिखेंगे आप, भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकताएं थी। अब हम संकीर्ण मानसिकताओं को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव का त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए हुए सारे प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार से लगातार अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।